नमस्कार डीबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डीबीपी न्यूज से मैं वंशुल राजपूत। आज हम आए बिजनौर जिले के सिगेड़ा गांव में और यहां पर किसानों की समस्याओं को जानते हैं। आखिर उनकी क्या क्या समस्या है, जैसे कृषि कानून आया है सरकार की तरफ से और उस पर क्या कहेंगे, और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि अगर यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको घर वापस भेज दें। तो किसानों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, बात करते हैं। जी सर, ये जो कृषि कानून आए हैं तीन, हाँ जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो साहब हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ। अच्छा, खिलाफ किस तरह हैं, क्यों खिलाफ हैं ये? जब हमारे नेता लोग कह रहे हैं तो खिलाफ ही हैं हमारे हिसाब से। अच्छा, अभी कोर्ट का एक आदेश भी आया कि बुजुर्गों को, महिलाओं को वापस घर भेज दें, तो क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग महिला तो उनकी साथ ही है, किसान घर चला जाएगा जो बुजुर्ग है? जैसे आप भी एक बुजुर्ग हैं तो अगर आप जी, वो तो कानून वापसी के बाद में आएंगे, कानून वापसी के बाद ही जाएंगे। हमारे जो अच्छा, और आपकी क्या क्या इससे अलग समस्याएं हैं? इससे अलग समस्या गन्ने की है। अच्छा, गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, एक एक साल हो गया जी, डेढ़ साल होने को आ गया, अभी तो पिछला पेमेंट आया ही नहीं। अच्छा अच्छा जी, कितना कितने साल हो गए पेमेंट को मिले हुए आपको? पिछले साल का पेमेंट भी रह रहा है, अभी नया तो अभी कोई हिसाब ही नहीं, नए का तो अभी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, पिछले साल का भी पूरी मई का पेमेंट रुका हुआ, पूरी मई का पेमेंट रुका हुआ 15 अप्रैल से, और पूरी मई का पेमेंट। अच्छा, क्या कहेंगे आप कृषि बिल पर? बस जी यही कह रहे हैं, बस भैया अब ना कहने वाला है ना बोल सकता हूँ। कृषि कानून आया है, क्या कहेंगे आप? कोर्ट का आदेश का ये जो पालन करेंगे या ये क्या कह रही है कोर्ट? मैं कोर्ट के विषय में तो हमें पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन ये अरे इतना हमारे आदमी ना है उसमें, यूनियन के आदमी नहीं है। अच्छा, यूनियन के आदमी कोई नहीं है, सब बीजेपी के ही आदमी है, वो जो कमेटी गठित करी है उसमें किसान नहीं जाने के, वो बिल्कुल भी। उसमें किसानों ने, हमारे नेताओं ने मना कर दिया, जो कमेटी गठित करी है उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें किसान नहीं शामिल होंगे। अच्छा, ये लाठियां भांजी जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही हैं, कह रहे हैं कि गंदा पानी, कुछ किसानों से हमने बात की दिल्ली बॉर्डर पर कि गंदा पानी हम पर फेंका गया है और गर्म पानी फेंका गया है, इस पर क्या कहेंगे? वैसे सरकार बोलते हैं कि किसानों के हम हितैषी हैं, किसान का हम समर्थन कर रहे हैं, मन की बात पे भी प्रोग्राम चलता है। किसान के तो विरोधी सरकार है बीजेपी सरकार, कभी भी किसान की नहीं रही, ये तो सरमादारों की सरकार है, और 26 जनवरी को उसका पता लग जाएगा, जब वहाँ झंडा लगा कर किसान ट्रैक्टर से मार्च करेंगे तो उस पर गर्म पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, तिरंगे के ऊपर। तो ये बताइए, और गन्ने का पेमेंट योगी सरकार कह रही है कि हम बढ़िया कर रहे हैं पेमेंट उत्तर प्रदेश में, किसान खुश है? नहीं नहीं, किसान तो बहुत बुरी हालत, किसान की तो बहुत बुरी हालत है। कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के, 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। इस सरकार में इतना दम नहीं है जो किसान का पैसा दिवा सको। SDM DM जाते हैं मिलों में, क्या आपने सूट केस भर लामा, और क्या किसान के बारे में कभी किसी ने ये नहीं सोचा, हाँ किसान को क्या समस्या, किसान अपनी जो घर गहने, घर की चीज है वे गिरवी रख रख को अपना खर्च चला रहा है, जमीन लोगों की जमीन, और जिला प्रशासन करता है, जमीन गिरवी रख, जिला प्रशासन के लिए आदेश आते हैं सरकार के, जिला प्रशासन कभी ये नहीं करता, जिला प्रशासन केवल नोटिस जारी करता, शुगर मिलों को नोटिस जारी करता है, अखबार में आ जाएगा कि DCO जिला गन्ना अधिकारी ने जो बिलाई मिल को नोटिस जारी कर दिया, उसकी कुर्की कर दी, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी मिल मालिक के खिलाफ। बिलाई मिल के बारे में क्या कहेंगे? बिलाई मिल तो सबसे भ्रष्ट पेमेंट के बारे में, बिजनौर, बिलाई, चांदपुर, बरकतपुर की भी स्थिति ऐसी नहीं है ठीक, पूरी मई मील चली, 22 अप्रैल तक का पेमेंट आया अभी। देखिए, किसान सुबह उठता है, रात को मतलब सोता है, और वो हम आँख भी नहीं खुलती, किसान खेत में पहुँच जाता है, और इस वक्त ठंड भी पड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? किसान की तो हर समय जब सुबह खाट से उठता है तो मौत के मुँह मरे, वो तो जंगल में, अब जानवरों की कितनी दिक्कत हो रही, बाघ शेर जंगल हमारे क्षेत्रों में पहले नहीं थे, हमारे क्षेत्रों में आ गए बाघ की आए दिन सूचना, इधर मंडावर क्षेत्र में कई गाँव में हादसे हो गए। तो वन विभाग, वन विभाग कुछ कार्य कर रहा है नहीं उन पर? वन विभाग भी फॉर्मेलिटी, पिंजरे लगा दें, बस पिंजरे लगा चले जाएं, हालांकि हमारे जो 10-5 गांव इनमें तो नहीं देखा गया, चाहे वो किसी पर हमला भी कर दे। चंदक क्षेत्र में कौन सा गांव था, वो लड़का बच्चा मारा था स्कूल में, हाँ उसमें हुआ था, स्कूल में से उठा, सरकार तो केवल ये न्यूज पेपरों में और ये फॉर्मेलिटी होती है बस प्रशासन की, इस पर क्या कहेंगे आप? न्यूज अखबारों में या टेलीविजन पर तमाम विज्ञापन देख रहे हैं, रेडियो पे चलते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
भाई इसमें क्या कहना, सुन लें, और जैसे दिल्ली का समाचार आ रहा है, किसानों की बात भी मीडिया वाले भेज रहे हैं पब्लिक तक, तो मीडिया से संतुष्ट हैं आप? मीडिया संतुष्ट है हाँ, लेकिन मीडिया के हाथ हाथ में सारा कुछ तो नहीं है। मीडिया हमारी बात ही पहुंचा सकती है जी। अच्छा ये बताइए, आपके घर में भी युवा होंगे बिल्कुल, और रोजगार के क्या अवसर ये सरकार दे रही है? रोजगार बिल्कुल खत्म है। अच्छा रोजगार बिल्कुल खत्म। एक लड़का जो हमारा ट्रेनिंग करी है, चार पाँच महीने हो गए थानेदारी की, अब बेचारा घर है, उस पर स्टे हो गया, कहीं कोई ना अभी ड्यूटी देगी। पढ़े लिखे बच्चे वैसे ही पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वैसे ही पढ़े हैं, रोजगार तो बिल्कुल कोई भर्ती सफल नहीं होती, कोई किसी में कह का आरोप लग गया, किसी में कह के आरोप लग गए, अब कुछ आदमी ने मुकदमे कर दिए उस पर, तो वो भी रुकी पड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो बहुत अनुभव है, मैं भी युवा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की, लेकिन मेहनत जब दिमाग ख़राब जब होता है, जब ये कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती है, उम्र निकलती जाती है, 32 साल की एज हो गई तब भी नौकरी हाथ नहीं लगी, तो एक युवा सुसाइड भी कर लेता है, है ना, सुसाइड के जो केस है लगातार जब उम्र जो ज्यादा वो तो उसका करेगा बेकार, या तो वो हथियार उठाएगा, नंबर दो काम करेगा, या आत्महत्या करेगा, दो रास्ते उसके सामने। और पढ़ा लिखा बच्चा खेती की तरफ, किसान खुद चाहता है मेरा बच्चा किसान ना बना, तो वो क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। तो आप दिल्ली गए नहीं अभी? दिल्ली तो हम नहीं गए, हमारे बुजुर्ग गए थे। अच्छा, बहुत लोग गए। तो 26 की क्या तैयारी है? 26 जनवरी 26 में जाएंगे हम, ट्रैक्टर से जाएंगे, बहुत लोग चलेंगे। तो देखिए किसानों से सीधी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। 26 को दिल्ली जाना? 26 को दिल्ली जाना जी, पूरा प्लान है बिल्कुल पक्का। मैं खाने जाने गए। उम्मीद क्या लग रही है आपको, सरकार क्या सुनेगी हमारी बात? सरकार सुने ना सुने, तो कानून वापस नहीं तो किसान वापस नहीं। अच्छा ये आरोप भी लग रहा है कि ये जो आपका चल रहा है कृषि कानून के विरोध में, कि हाईजैक हो गया है, कि कोई विपक्ष करवा रहा है इसको? विपक्ष अपना काम, विपक्ष को मंच तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अपना अधिकार रखने के लिए क्या हम बैठ नहीं सकते धरने पर, ये बताइए? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना, सरकार कह रही है सड़क खाली कर दो। तो खाली बड़ी है सरकार की, जमीन खाली कर दो और क्या कहेगी? जो ये भाजपा के विपक्षी हैं, क्या यही किसी और स्कूल में पढ़ गए हैं क्या? कभी इन्होंने किसी और स्कूल में पढ़ाई करी हो, और किसान ने किसी और में करी हो? जितने विपक्षी हैं, जितने विपक्षी तेज है ना, उससे तेज किसान हो गया आज की तारीख में, क्योंकि पढ़ा लिखा किसान है, पहले वाला किसान नहीं रहा। अच्छा एक बात बताइए, अभी यह पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 91 हो गई है, 91 रुपये लीटर, क्या कहेंगे इस पर? अजय एक बात बताओ, अब 67 से लगा कर और चीज़ों पर 100 गुने से ऊपर हो गया, और किसान 19 गुना ऊपर होया, किसान के गन्ने का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत आज 91 रुपये हो गई है, क्या कहेंगे इस पर, कि क्या हो रहा है? पेट्रोल पेट्रोल का क्या बताएं, ये बताओ कि सस्ती कौन सी चीज हुई, हर चीज महंगी हुई है, किसान की चीज का तो इरादा ये है सरकार का कि फ्री ले लो, मुफ्त ले लो, और अपना जो सामान बेचो, अडानी अंबानी का जो सामान बिका, जिसमें सेठ लोग बैठे है ना, उनका महंगा बिका, वह अपने रेट अपने आप तय करें, और जब सरकार किसान का रेट तय करती है फसलों का, जब किसान अपने आप क्या नाम, 2.5 महीने मिल चलता हो गए, 2.5 महीने क्या सरकार न अब तक गन्ने का भाव क्यों नहीं तय करा है? अब यो सेठ तो के हो सब अपने नोटों के बैग जमा उनका सूटकेस भर का, तो सरकार को उनके पैसे चल रही, किसान का क्या है, किसान का कुछ नहीं है, चीज ऐसी होगी, कौन आदमी है जिसका रेट तय ना हो, बेचने का रेट अपने आप तय करो, कुछ बैंक भी जाते होंगे, बैंकों में क्या ये कार्य हो जाता है, या लाइन में लगना पड़ता है आपको लंबी? नहीं, बैंक तो अपना काम कर रहा है, बैंकों में कई बार बैंकों में भी समस्या खड़ी हो जाती है। अब बैंकों में जब पैसा ही ना आ जाए किसान को, बैंक में जाकर ही क्या करूं? बैंकों में समस्याओं के बारे में बताऊं, बैंकों में कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। बैंकों में जितनी समस्याएं पैदा करी हैं वो इस सरकार ने करी है, क्यों? किसान को पेमेंट दिया नहीं, वो कर्जे के लिए लाइन में लगा खड़ा, और कर्जे के लिए मैनेजर लोग 10% और 15% 20% मैनेजर लोग ले रहे हैं, तो वो किसका क्या, वो किसान जमा नहीं करने का,
तो वो नुकसान किसका हो रहा है? किसान का, वो किसान की टटरी में वो निकल रहा है। खाली किसान विरोधी सरकार ये इसलिए है, किसान के हित में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो क्या वोट देंगे आप भविष्य में? किसान ना बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये 22 का इलेक्शन आ रहा है अगले साल, ये कड़ा पड़ा है जी, कड़ा पड़ा था। वोट नहीं देने का, कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, किसान तो देगा नहीं। तो सरकार आप लोगों ने चुनी है और उसके बाद में ये हम लोगों ने चुनी है तभी तो हम लोग दिल्ली सड़कों पर बैठे हैं, इस सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जब वोट डालता है आदमी, तो हर आदमी की एक अपनी उम्मीद तो कोई सी भी ना बची, सब उम्मीदें खत्म हो गई। कोई उम्मीद इस सरकार से अब क्या उम्मीद लगा लें? बालकों की पढ़ाई लिखाई किसान आदमी कैसे कर रहा है ये किसान को पता, किसान से पूछ कर देखोगे वो अपने बालक की फीस कैसे जमा कर रहा है, ये अपने घर का खर्च कैसे चला रहा है। इस सरकार बिल्कुल अंधी हो गई, इस सरकार को कोई पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। खाली ये किसे देख रही है? ये खाली टाटा बिरला अंबानी ये ठीक है, ये रिलायंस सब दे, पूरा इन लोगों को देख रही है। ये इन लोगों का इस सरकार से पहले का व्यापार देख लो और आज बिजनेसमैन का कारोबार अच्छा चल रहा है। सब कह रहे हैं कि सरकार वोट नहीं देगी, तो ये सरकार फिर आ कैसे जाती है सत्ता में? मुख्य खेती सरकार ईवीएम जब तक रहेगी जब तक तो आदमी अंधा हो रहा। हमारे यहाँ एक लोग वोट डाल कर निकल कर रहे, वे कह रहे मैं बोल रहा भाई कैसा रहा, कैसा क्या वोट किसी को दिया था, पहुंचा पी दे बोल गई फूल पर, अच्छा पी फूल पर बोल गई। तो मैं बोल रहा भाई यो क्या जब ईवीएम रहेगी जब तक तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो, यूपी का भला पूरे भारत का जो इलेक्शन होगा वो करा कर देख लो कितनी सिट्टे लगेंगे। वैक्सीन आगे लगवाएंगे कौन? वैक्सीन आ गई, पहले प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हाँ। हमें कोई कोरोना थोड़ा ही हुआ, वैक्सीन आ गई है, अब वैक्सीन आ गई है, पहले ये उसका परीक्षण कर ले, उसके बाद जब पब्लिक पब्लिक में तो बाद में आओगी लगेगी, वो तो लगनी है लगी थी। अगर पहले ये लोग ही लगवाएंगे ना, पहले तो अपने जो दो चार आदमी को लगी थी वे बीमार पड़ गए थे। भारत में कोरोना आया या ऐसी अपवाद ही है? नहीं कोरोना वरना ये तो हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है, हाथ में तो कोई कोरोना नहीं आया। ये बताओ हर देश ये कह रहा था कि ये लाइलाज बीमारी है, ठीक है इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर जो कोरोना से पीड़ित हुआ उसे इन्होंने कैसे बचा लिया? किस दवाई से इन्होंने उसका वो करा? और जब दवाई कोई यूज कर रहे थे ये और उससे कोरोना पीड़ित से ही हो रहा था, तो फिर इन्हें लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत थी? वही दवाई जो पूरे भारत में मार देते, जिस दवाई से इन्होंने मरीज सही किए वही दवाई जो इन्हें पूरे भारत में बांट देनी चाहिए थी। भाई एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है, तो फिर कैंसर सही कैसे कर लेंगे ये? वही कहानी इसकी है, कोरोना जब है ही नहीं था, ये तो इन्होंने एक वो उठा रखा था वैक्सीन और कदी वैक्सीन, बस अपना ठा के यही करते रहे किसान को प्रताड़ित करने का इनका मेन मुद्दा। देश भी रोजगार कर दिया, इसमें जो कोई लगा हुआ भी था कि फैक्ट्री में जो लगे हुए थे वे सब अपने घर आ गए, अब कोई बेरोजगार जो कहीं लगे हुए भी थे वे अपने घर बैठे, आज किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। मरने वालों की संख्या मतलब इस लॉकडाउन में कम रही, जैसे कि कोरोना था तो बहुत पब्लिक मर जाती। भाषण दिया जा रहा था कि ये कहीं लेन में फैल गया है ना, जैसे एक दौर का कोरोना ये तीन चार दौर का भी निकल गया, यहाँ पर मौत ही मौत हो जाएगी, तो ऐसा तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया ना, ना ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सब इन्हीं की इन्होंने अफवाह फैला कर कोरोना, अगर इनकी नजर में आपकी नजर में सरकार की नजर में है ये बनाया। इस गाँव में वो जो सफाई अभियान चलता है, वो जो स्प्रे चलती है मशीन, वो कितनी बार यहाँ आई है? एक बार वो भी पानी 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 छिड़क गए थे, दवाई पवाई उसमें कुछ नहीं थी। सरकार कह रही है कि कोरोना वाकई में ये साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई क्या सहरा इसका फोटो लो, साफ सफाई देख लो कैसी साफ सफाई हुई पड़ी, वो तो आप देख रहे हो ना, साफ सफाई को एक हफ्ता हो गया हो सफाई कर्मियां हो जाता है हफ्ते भर में, हफ्ते में एक बार। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ? दो सफाई कर्मी तो परमानेंट है, दो पल्ली तरफ मतलब चार सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत में चार सफाई कर्मी, दो सफाई दो मौजे हैं इलाजीपुर खड़गू और सिकेड़ा, दो सिकेड़े में और शायद तीन उधर हैं।
तीन है उधर ना, तीन है उधर, तीन है पाँच है, पाँच सफाई कर्मी पंचायत में। अच्छा, पांच सफाई कर्मी, पांच सफाई कर्मी पूरी पंचायत आते हफ्ते हफ्ते में। वो देख लो, एक हफ्ता हो गया आ गए तो नहीं। ये तुम्हारे सामने पड़ा, ये तो यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ, और इस रास्ते को निकल के देख लो आगे को जाकर। ये देखिए सिकेड़ा की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, और आपको पूरी कवरेज यहाँ की दिखा रहे हैं। सफाई कर्मी एक हफ्ते में आता है, इधर से आइए, एक हफ्ते में आता है, और देखिए किस कदर यहाँ पर गंदगी भी पसरी पड़ी है, बीमारी बिल्कुल फैलेगी। और कह रहे हैं कि साफ़ सफाई रहेगी तो कोरोना भी भाग जाएगा, और यहाँ मच्छर भी पैदा हो सकता है। गांव कैसे स्वच्छ रहेगा? भारत जो स्वच्छता का जो मिशन चल रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, वो आपको सफाई आपको पूरी दिखा रहे हैं। दिखाइए इधर की तस्वीर, ये देखिए कैसे नाली अटी पड़ी हैं। एक घर भी हम आपको दिखाएँगे आगे, उस घर की तरफ भी चल रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी सिकेड़ा में ही, कि ये जो घर है यहाँ, इन्होंने कई बार दरख्वास्त, कई बार इन्होंने कोशिश की अधिकारियों से कहने की, गांव के प्रधान से कहने की, लेकिन इनका जो घर है वो बन नहीं पाया। तो चलिए इस घर की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़रा बाहर से दिखाओ ये घर। ये देखिए इस घर में ये दरवाज़ा भी नहीं है, ये दीवार आपको सीधी दिखा रहे हैं। ये कभी भी गिर जाए, इसके पीछे कोई बैठा हो उसके ऊपर भी गिर जाए, टीन भी उड़ जाए आंधी तूफान में। ये बताओ ये मकान इसने अब कहीं बना लिया, ये मकान ये जो खुद बनाया है या बनवाया गया? मैं खुद बनाई। खुद बनाई है? तो आप शिकायत लेकर गए थे कि हमारे पास एक आशियाना नहीं है, घर नहीं है, तो क्या कहा गया आपको वहाँ? हमारे कौन कर दे बे, हमें नंडे के लिए ब्याह के लिए रख दी थी, एक लड़का झूठ कोई कोई वो हमारे खुद बनाई थी, पैसे कोई ना है, और कौन कोई कर देवे, करने काम करने वाले क्यों ना है। क्या काम करते हो आप? अपने तुम्हारे काम हो रहा तो वही कई काम करो। अच्छा, सदस्य सदस्य कितने हैं आपके परिवार में, कितने लोग हैं आप? हम कोई भी ना, एक ही लड़का। एक ही लड़का है? अच्छा, कितनी बड़ हो गई? अच्छा अच्छा, तो सुनता नहीं आपकी कोई यहाँ ना? नाम क्या आपका? चरण सिंह। अच्छा, देखिए इनसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। और ये देखिए नाली की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सीधी दिखाइए किस तरह से ये भरी पड़ी है, यहाँ पर अटी पड़ी है। ये देखिए दीवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पायखाना गुन्ना कर दी। एक मिनट, ढंग ढंग में कुछ भी नहीं था। ये गैस कनेक्शन भी नहीं है आपके पास? ना, कहाँ से ले लूँ? नहीं, वो तो मुफ्त मिल रहा था गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन भी नहीं आया ना, आपका ना, या आपने फार्म नहीं भरा? हम तो नाजना माती नाजना पाती। अच्छा, नाजना ना मिलती। अच्छा, आपको राशन भी नहीं मिलता? ना। ये कब बना आपका, ये जो शौचालय ये कब बना आपका? ये प्रधान बनाई, प्रधान बनाई, कितना समय हो गया इसको? पाँच साल हो गया, हमारे घर ना कर दिया। अच्छा, लड़कर ली पैसा जमे जमे रो रो कर ली। ये आपने ये मकान की तस्वीर दिखाओ, ये इन्होंने अपने आप ही बनाया है, अपनी मेहनत से इस मकान को बनाया है। और ये कई बार जा चुकी प्रधान के पास, और कई अभी तो दाब कर मर गई थी। कैसे? हमें तो खुद ही दाब कर मर गई थी। कैसे, क्या हो गया था? एक दाब कर मर गई थी। अच्छा। हमें सब पांच जने तोल ली घर के मारे, मतलब गिर गया था क्या? गिर गई थी। अच्छा, देखिए कह रही है कि ये मकान में एक बार दब भी गई थी, ये जो ये इधर की दीवारें भी दिखा दो, ये पूरा गिर गया था और ये नीचे दब गई थी मकान के। तो इनसे बात कर रहे हैं, इनका दर्द को जान रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे गिर गई थी, हमारे पाँव में दर्द हो गई और दाब करी, हमने तुलते ना पड़ा, रो रो करी। हाँ जी, ये दब गए थे क्या? मकान गिर गया था? गिर गया था, कच्चा मकान था यही। अच्छा, अभी आपने घर से कर्जा पानी निकाल कर घर से ही बनाया? अच्छा, घर से बनाया, लेकिन आप गए कई बार अपनी शिकायत लेकर के हमारे पास घर नहीं है? अरे बथेरा कया, वो कई बार आए हैं अधिकारी भी हूँ, कया कौन सुना, हमारे कहाँ सुनाई हो वो, ऐसे गरीब बोगी। अच्छा, सुनवाई नहीं होती आपकी? बुढ़िया हमारी, बुढ़ा तो क्या कहेंगे आप, ये क्या हो रहा है, मतलब आपने अपना दर्द पूरा बताओ आप। पाँव में दर्द हो गई, हमें तो कर्जा पानी निकाल कर खराब गए, उलट पुलट होकर यो ना बनता, अब तो इसमें दबको मरते हैं, अब देख लो यो ऐसी ही पड़ी थी। तो आप घर के मुखिया हैं? हाँ जी। अच्छा, घर के मुखिया, गैस कनेक्शन नहीं मिला आपको? कुछ भी ना मिला, गैस भी ना, हम पर तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी ना भैया, लाइटिन बनी है सरकारी और कुछ भी ना। अच्छा, राशन कब से रहते हैं आप इस गांव में? ये हमारी तो जिंदगी बीत गई, जिंदगी बीत गई पाँच साल हो गई, दादा दादी बाबा माँ सब
देखिए दर्द को सहते सहते इनका पूरा जीवन निकल गया, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई को पूरा ना कर सका, ना इनका कोई समाधान कर सका। डीबीपी न्यूज़ सीधा आपको सिकेड़ा के गांव में मौजूद आपको लेकर आया है। बिजनौर ज़िले में ये गांव पड़ता है। देखिए किस हालत में ये परिवार रह रहा है। कह रहे हैं कि ये मकान गिर गया था और नीचे दब गए थे, पैर में भी चोट आई थी कभी। और देखिए इनकी जो इनका दर्द है उसको कोई नहीं समझ पा रहा है। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं सिकेड़ा गाँव में। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए डीबीपी न्यूज़ के साथ।